अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। क्या टाइगर का विलन फिल्म में बनेगा सनी की मुसीबत का कारण? कैसे हो सकती है गदर टू की कहानी? क्या सकीना को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलेगा फिल्म में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बोलिकराज स्टूडियो, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। पर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी वीडियो में वापस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया और फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है, और इस फिल्म से जुड़ी हर खबर का फैंस बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। करीब 20 सालों के बाद गदर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और फिल्म की शूटिंग भी लगभग 90% हो गई है। कुछ सीन्स है जो कि बचे हुए जो सनी के अमेरिका से वापस लौटने के बाद शूट किए जाएंगे। लेकिन जब से गदर 2 फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है ना, ये फिल्म विवादों में ही रही है। पहले इसकी कहानी को लेकर विवाद हुआ और फिर इस मूवी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इस मूवी ने मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, इस फिल्म को बैन करने की कोशिश की जा रही है, और अब इस फिल्म की कहानी से भी पर्दा उठ चुका है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग वेबसाइट, गदर 2 की कहानी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है, यानी कि फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान के संघर्ष पर मूवी बेस्ड होगी, जिसमें उत्कर्ष शर्मा इंडियन आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जो वॉर के दौरान घायल होकर पाकिस्तान आर्मी के हाथ लग जाएंगे, जहां उन्हें फिल्म का विलन काफी टॉर्चर करेगा। जिसका कैरेक्टर निभाएंगे टाइगर फिल्म के विलन सज्जद डेलाक्रूज, यानी कि अब्बू उस्मान। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमरीश पुरी ने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया था, उनको रिप्लेस करना नामुमकिन है। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है और बिना विलन के हीरो का उतना इम्पैक्ट नहीं रहता, और सज्जद डेलाक्रूज विलन के लिए परफेक्ट चॉइस होंगे, क्योंकि वो एक दमदार विलन भी है जिससे फिल्म को देखने का मजा और भी बढ़ जाएगा। अब जैसा कि गदर 2 ज़्यादातर सारा सिंह और उनकी बेटी पर बेस्ड होगी, इसलिए सकीना का रोल फिल्म में काफ़ी कम रहेगा। उनका स्क्रीन टाइम भी फिल्म में काफ़ी कम नज़र आने वाला है, लेकिन उनका कैरेक्टर भी फिल्म के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तारा सिंह और उनके बेटे का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है फिल्म के लिए। गदर 2 में इस बार बाप और बेटे का इमोशनल एंगल दिखाया जाएगा। गदर 2 के अलावा सनी देओल साउथ की एक बड़ी रीमेक में भी दिखाई देने वाले हैं, उसका नाम है जोसेफ। इसके साथ ही वो एक क्राइम थ्रिलर मूवी में भी नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सज्जद डेलाक्रूज फिल्म के अंदर अमरीश पुरी सर की कमी को पूरा कर पाएंगे या नहीं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।